इस वीडियो में कक्षा 8 का गणित बुक एनसीईआरटी का बिहार बोर्ड का है और हम जानेंगे इसका ये जो चैप्टर है आपका प्रश्नवली 2.2 2.2 में सभी लैंग्वेज वाला भाषा वाला सवाल है और सभी सवाल को हम बताने वाले हैं। इसमें जो है आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न का हम इसमें हम आधा वीडियो मतलब 5 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं और इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें हम 6 से 10 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लास्ट तक बने रहें, 100% गारंटी रहेगा आपको समझाने का, समझा कर छोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बस अति तक, ठीक है। चलिए देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोला गया यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, ठीक है, हम इसको करते हैं हल सॉल्व। किसी संख्या के आधे में से, तो हम जब भी बोला वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं माना वह संख्या बराबर एक्स, ठीक है, माना वह संख्या बराबर एक्स, एक्स मान लिए चूंकि प्रश्न से क्या बोला, यदि किसी संख्या के आधे में से, तो संख्या एक्स है, आधे मतलब 2 से भाग देंगे, किसी भी चीज़ का 2 टुकड़ा होगा तभी तो आधा होगा, आधे में से 1/4 घटाया तो 1/4 घटाया और 1/8 प्राप्त हुआ तो 1/8 प्राप्त हुआ, लिख दीजिए जो बोला वो लिख, माइनस 1/4 है, या तो आप इधर ही भिन्न का घटाव कर लीजिए, आप बराबर के उस पार भेज कर भी भिन्न का जोड़ कर सकते हैं क्योंकि उस पार जाएगा तो प्लस में, आपको जैसे सुविधा है आप कीजिए। हम जो है यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बराबर के उस पार भेज देंगे, तो 2 बराबर 1/8, यही माइनस में है 1/4, इधर आएगा प्लस में आ जाएगा 1/4, बराबर के पार जाने के बाद चिन्ह बदलता है समीकरण में, तो 2 और बराबर, अब भिन्न का जोड़ करेंगे तो हर का लॉस लेते हैं लघुत्तम, तो 8 और 4 का लघुत्तम लेंगे, 8 आएगा, 8 इकाई 8 तो 1, अब प्लस 4 दुना 8 तो 1 दुना 2, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमको आ गया इस प्रकार से 1 + 2/8, x/2 है भाग में है गुना में भेज देंगे, x = 2 × 3/8 और गुना ये 2 चल जाएगा गुना में, 2 से काटेगा 2 × 4 तो हमको यहाँ पर x = क्या आ गया, x = हमको आ जाएगा 3/4, x = हमको आ गया 3/4, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से सवाल था और इस प्रकार से सॉल्व हुआ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दूसरा सवाल हम सॉल्व करते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवली 2.2 है, लाइक कर दीजिए, ध्यान दीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 10 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। इस सवाल में अक्सर बच्चे फंसते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। क्या है ये आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण है, एक चर वाले, तो एक ही एक्स ही मानना है या तो वाई ही मानना है, एक्स वाई दोनों एक साथ हम नहीं मान सकते, ठीक है। देखिए अब किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, तो हम यहाँ अलग में कहीं पर आपको करके दिखाते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। हम किसी एक को मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्स ही जो लंबाई मानना है या चौड़ाई मानना है, आपको जो मानना है मान लीजिए, ठीक है। करते हैं हल, मान लेते हैं माना आयत की चौड़ाई बराबर, हम चौड़ाई मान लेते हैं, आप लंबाई भी मानकर चल सकते हैं, चौड़ाई को भी बोलते हैं चौड़ाई बराबर एक्स, तो आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई बराबर क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए हम क्या बोले यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, तो ये लीजिए लंबाई, ठीक है, और अंतर मतलब अंतर, चौड़ाई मतलब देखिए चौड़ाई भी है, अंतर 5 है तो 5, अभी आपके सामने में हम यहाँ पर देख लीजिए चौड़ाई माने हैं x, चौड़ाई x माने हैं तो लंबाई हम माइनस चौड़ाई जगह पर x रखेंगे बराबर 5, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 5 + x हो जाएगा। इस प्रकार से आप कहीं साइड में निकाल लीजिए लंबाई बराबर 5 + x, ठीक है, 5 + x हो गया। चलिए अब देखिए परिमिति 110 मीटर है, तो परिमिति मतलब परिमाप, तो चलेंगे प्रश्न से,
प्रश्न से। परिमाप बराबर 110 मीटर है, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना है 110 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2 गुना में है, इसको भाग में भेज दीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 110/2 कट जाएगा, 55 बार में कट जाएगा। लंबाई को x माने हैं, देख लीजिए, लंबाई 5 प्लस x है तो लंबाई के जगह पर 5 प्लस x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, चौड़ाई चौड़ाई देखिए x माने हैं तो चौड़ाई के जगह पर x देंगे, बराबर 55। तो 5 प्लस 2x बराबर 55, 2x बराबर 55, ये 5 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 2x बराबर 55 से 5 गया 50। अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिए 2 गुना में है, गुना में है तो भाग में जाएगा, तो हो गया x बराबर 50, ये 2 जाएगा भाग में, कट गया, आ गया 25, x बराबर कितना आ गया 25 मीटर। x थोड़ा सा ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, आंसर भी नहीं मिलेगा, चौड़ाई को हम मान लेते x, तो चौड़ाई बराबर x, x बराबर कितना आया 25, तो लंबाई बराबर 5 प्लस x था, तो 5 प्लस x की जगह पर कितना आया 25 आया, तो 25 बराबर 30 मीटर, चौड़ाई 25 लंबाई 30। ये आपका सवाल है, देख लीजिए, ये आपका सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो लीजिए, हम पूरा मोबाइल में हटा देते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपके मोबाइल में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की ओर, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किग्रा चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था, किग्रा मतलब किलोग्राम, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, 25% की वृद्धि हुआ और अभी 1 kg चीनी 32 में मिलता है, तो पहले कितना मिलता था वही ज्ञात करना, तो हम मान लेते हैं सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं, माना 1 kg चीनी का मूल्य प्रारंभ में कितना थी 1 रुपया थी, चूंकि प्रश्न से, अब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई तो अभी 1 रुपया है, अब x में ही x का 25% वृद्धि हुई। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, अभी आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं, मान लेते हैं शुरू में चीनी का मूल्य 5 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया की वृद्धि हुई, तो 1 रुपया हम क्या करेंगे, इसी में ना जोड़ेंगे 5 में ही ना, तब ना होगा 6 रुपया, तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि प्रारंभ में चीनी की मूल्य क्या थी वो नहीं पता है, लेकिन चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ 25% की वृद्धि हुआ, तो पहले 1 रुपया था, अब जब रुपया बढ़ता है तो पहले वाले में ही जोड़ते हैं, तो 25% बढ़ा तो इसमें 25% जोड़ दिए x का, अब 1 किलो चीनी 32 रुपया में मिलता है तो 32 डाल दिए। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए x प्लस x का मतलब गुना 25 और प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, प्रतिशत निकालना आप लोगों को सिखाया गया है, देखिए 32, अब काटिए 25 × 100, 4 बार में कट गया, अब देखिए x प्लस ऊपर में x और नीचे में बट्टा 4 बराबर में 32, ठीक है, बराबर में 32, एकरा बट्टा में 1 रखेंगे हो जाएगा भिन्न का जोड़, 1 4 का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है, 1 4 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है, 1 × 4 तो 4x प्लस 4 × 4 तो 1x बराबर 32, ठीक। अब देख लीजिए क्या करेंगे, 4x 1x हो जाएगा 5x, ठीक है, 4x 1x कितना हो जाएगा 5x, तो 5x हो जाएगा, तो 5x अब बराबर 32, 4 भाग में है गुना में चल गया, ठीक है, 4 भाग में कहाँ चला गया, गुना में चला गया, ठीक है। अब देखिए 5 है गुना में तो भाग में चला जाएगा,
एक्स बराबर 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और 5 चला गया भागना, 5 से काट गया, 5 × 2 = 10, 28 है, 25 और 5 × 6 = 33। तो एक्स बराबर जो है आपका, एक्स बराबर 25 रुपया 60 पैसा प्रारंभ में चीनी का मूल्य था। ये आपका देख लीजिए पूरा सवाल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल की ओर। अब यहाँ पर आपका चौथा सवाल देखिए, दो विभिन्न मूल्य वाले मतलब अलग अलग दाम का 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया, दो अलग अलग मूल्य का 35 कलम है और जिसका दाम कितना है 60 रुपया। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, जो पूछा है उसी को मान लेंगे, ठीक है। मान लेंगे माना, ठीक है, माना महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलमों की संख्या बराबर एक्स, महंगी कलम एक्स को है तो सस्ती कलमों की संख्या बराबर। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, बोला क्या महंगी कलमों की संख्या एक्स तो सस्ती कलम, तो दो कलम और दोनों कलम मिलाकर कितना कलम है 35 कलम है, तो 35 कलम है। मान लीजिए आप दो गो दोस्त हैं और दोनों दोस्त मिलाकर 35 रुपया है, एक के पास 5 रुपया तो दूसरे के पास 30 रुपया होगा क्योंकि 35 में से 5 घटा दिए। वही दो कलम है महंगी और सस्ती, तो महंगी कलम एक्स है तो सस्ती कलम 35 में से एक्स को घटा देंगे। अब चलते हैं प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोला है कि 1.5 रुपया में सस्ती कलम, दोनों कलम मिलाकर 60 रुपया में, तो पहले लिख लेते हैं एक्स प्लस 35 - x बराबर 60, ठीक है। अब देखिए एक्स कौन सा है महंगी कलम, एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो इसमें 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 रुपया में, और एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, इसमें करेंगे 1.50 से गुना करेंगे। चलिए देखिए 2x प्लस करेंगे 1.5 से गुना, 15 × 5 = 75 का 5, बाकी 7 × 15 = 45, 7 = 52, 0 दो अंक के बाद दशमलव दे देंगे 52.50 माइनस 1.5x बराबर 60, ठीक है। अब देखिए 2x में 1.5x गया तो कितना बचेगा 0.5x बचेगा। देखिए 52.5 प्लस 2x में 1.5x गया तो 0.5x बराबर 60, ये जाएगा 60 में, प्लस में तो माइनस में जाएगा, 0.5x बराबर 60 माइनस 52.5, ठीक। देखिए अब यहाँ पर 0.5x बराबर घटाएंगे 60 में 52, तो 7.5 बचेगा, ठीक है। अब ये देखिए गुना में 5 0.5 है, भाग में जाएगा x बराबर 7.5 / 0.5, एक अंक के पॉइंट बाद एक अंक के बाद पॉइंट कर जाएगा, 5 से काटिए 15 × 5 = 75, एक्स बराबर 15, ठीक है। ये देख लीजिए इस प्रकार से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं आपके इस चैप्टर का, सॉरी इस चैप्टर का नहीं, इस वीडियो का लास्ट सवाल, पांचवा सवाल, और इसके बाद जो भी हम जानने वाले हैं अगले पार्ट में, यहाँ पर आपका देख लीजिए पांचवा सवाल, ठीक है। पांचवा सवाल ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए पांचवा सवाल, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। हम चलिए ज्ञात करते हैं, तो मान लेते हैं माना, अनुपात में जब भी प्रश्न रहे तो मान लेंगे माना अनुपातिक गुणांक गुणांक बराबर एक्स, तो प्रथम कोण
ए मान लेते हैं, ठीक है, प्रथम कोण ए बराबर दो है तो दो एक्स, दूसरा कोण बी मान लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर तीन है तो हम दे देंगे तीन एक्स, तीसरा कोण सी मान लेते हैं पाँच है तो पाँच एक्स, अनुपातिक गुणांक मान लीजिए। अब आगे का प्रोसेस हम जानते हैं, हम जानते हैं, अब यहाँ पर लिखना है चूंकि हम जानते हैं, अब बताइए आप क्या जानते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए 2x है तो 2x प्लस कोण बी 3x है तो 3x प्लस कौन सी 5x है तो 5x बराबर 180 डिग्री। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, देख लीजिए 5 3 8 2 10x बराबर 180, x बराबर 180 ये 10 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, 0 0 कटा, x बराबर 18 आ गया। अब प्रथम द्वितीय तृतीय कौन निकालेंगे, अभी आपका आंसर नहीं आया। प्रथम कोण ए बराबर, दूसरा कोण बी बराबर, तीसरा कोण सी बराबर। प्रथम कोण 2x, दूसरा 3x, तीसरा 5x, तो 2x बराबर 2 गुना x बराबर 18 आया, 18 दुना 36, b बराबर है 3x मतलब 3 गुना x 18 आया, 18 दिया 54, तीसरा है 5x मतलब 5 x का मान 18 आया 90, तीनों को जोड़िएगा ना 180 आ जाएगा, यही तीनों जो है आपका त्रिभुज का तीनों को आंसर होगी, ठीक है। ये आपका सवाल है, आप इसको इस तरह से चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है जो भी सवाल, 1 से 5 तक सभी सवाल बताया है, प्रश्नावली 2.2 का 5 सवाल बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में हम जो है यहाँ तक आपको 10 तक सवाल बताने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।